जामिया एएमयू और मानव यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए हम लोगों ने जो अपना बैच शुरू करा है, जो जामिया बीएड आपकी और एएमयू बीएड में जीएस आती है, ठीक है, यानी कि जनरल साइंस आती है, उसमें आप लोगों के तीनों ही साइंस आएंगे, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीनों ही आप लोगों की उसमें देखने को मिलती है। और जो लेवल रहेगा आप लोगों का वो 9th, 10th, 12th तक का रहता है, ठीक है। बाकी अगर आप लोगों ने हम लोगों की प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं, उसमें मैंने सारे टॉपिक्स डिस्कस करे हैं कि जीके में जीएस की क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो ये क्लास हमारी जीएस के ऊपर होने वाली है, यानी कि साइंस के ऊपर होने वाली है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी ये क्लास। तो जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था कि हम लोग भौतिक विज्ञान पढ़ने वाले हैं, ठीक है, भौतिक विज्ञान। तो सबसे पहले अगर हम भौतिक विज्ञान की बात करें कि ये क्या चीज है, ठीक है, फिजिक्स किसे कहते हैं। देखिए फिजिक्स में द्रव्य यानी कि मैटर और ऊर्जा, और ऊर्जा हम इन दो चीजों के बारे में हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं, यानी कि जो भी इनसे रिलेटेड क्रियाएं होती हैं, जो भी चीजें इसके अंदर आती हैं, उन चीजों के बारे में हम डिस्कस करते हैं जो भौतिक विज्ञान कहलाता है। यानी कि अगर कहा जाए एक ऐसी चीज जिसके अंदर हम द्रव्य यानी कि मैटर और एनर्जी की क्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हो, स्टडी करते हो, वो हमारी भौतिक विज्ञान कहलाती है, ठीक है। और ये जो विज्ञान होता है यानी कि भौतिक विज्ञान को हम मूल विज्ञान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल विज्ञान, ठीक है। तो मूल विज्ञान क्यों कहा जाता है? ये मूल विज्ञान इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी की बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारी केमिस्ट्री में और बायोलॉजी में बहुत हद तक निर्भर करती है, ठीक है। यानी कि इसी में से हम काफी सारी चीजें लेते हैं जो हमारी दूसरी साइंस में भी यूज होती हैं, ठीक है। तो ये मूल विज्ञान कहलाता है। अगर क्वेश्चन बनता है कि मूल विज्ञान किस शाखा को कहा जाता है या किस क्लास को कहा जाता है, विज्ञान की किस श्रेणी को कहा जाता है, तो हम बता सकते हैं कि फिजिक्स को उसकी मूल विज्ञान कहा जाता है, यानी कि बेसिक साइंस कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों का जो टॉपिक है पढ़ने के लिए, सबसे पहले आज हम ले रहे हैं मात्रा, ठीक है, मात्रा यानी कि यूनिट्स, यूनिट, ठीक है। देखिए यूनिट जो होती है आप लोगों ने 9th में 10th में पढ़ी होगी, ठीक है। तो यूनिट्स काफी सारी चीजें होती हैं, ठीक, जो भी चीजें जैसे स्पीड हो गई आपकी, डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका, उनमें एक चीज लिखी होती थी SI, ठीक है, और एक चीज और होती थी उसमें CGS, ठीक है। क्या होती थी? CGS और लिखा होता था SI, ये दो शब्द होते थे। और उसके साथ कभी कभी अगर आपने 9th में पढ़ा हो या 10th में भी आता है, एक शब्द और आता था MKS, क्या था? MKS, ठीक है। ये तीन चीजें हमें देखने को मिलती थी। तो देखिए मैं बता दूं कि जो पहले के साइंटिस्ट होते थे, जो वैज्ञानिक होते थे, उनको जो चीजें यूज करनी होती थी, यूनिट्स चीजें डालनी होती थी, तो कुछ साइंटिस्ट जो थे वो CGS में लिखते थे, ठीक है, और एक लिखते थे MKS, ठीक है। ये दो चीजों में लिखा जाता था, ठीक है, ये होती है। लेकिन जब इस तरह की चीजें आई कि दूसरे देश में हमारी रिसर्च जाने लगी या दूसरे देश से हमारे पास रिसर्च आने लगी, तो हम लोग अगर CGS पे काम कर रहे हैं तो MKS वाली नहीं समझ पाएंगे, और जो को MKS पे काम कर रहा है और वो CGS नहीं समझ पाएगा। इसीलिए हम लोगों ने क्या करा, एक नई यूनिट बनाई जिसका नाम रखा हमने SI। इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है, ये होती है हमारी SI यूनिट। तो मेन हमारी ये बन गई। और हम लोगों ने SI यूनिट्स कैसे बनाई, इन दोनों को मिक्सअप करके, CGS को और MKS, ठीक है, जो चीजें ज्यादा यूज होने वाली थी उसी हिसाब से हमारे साइंटिस्ट ने, एक टीम ने इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बना दिया। उसके बाद जो आती है तो हम लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट है BEd के एंट्रेंस एग्जाम के मुताबिक, वो CGS और SI यूनिट्स हैं। ये दो यूनिट्स आती हैं हमारी, ठीक है, जिसमें हम ये चीजें पढ़ेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। तो मात्रक क्या होता है? मात्रक कोई भी राशि, जो भौतिक राशियां होती हैं, ठीक है, उनके मानक मान को, यानी कि उसकी वैल्यू को समझाने के लिए वो किस चीज में है
उसको निकालने के लिए एक यूनिट दी गई, एक निर्देश दिया गया, ठीक है, एक नाम दे दिया गया, तो वही चीज हमारी मात्रा कहलाती है, यानी कि वो यूनिट कहलाती है हम लोगों की। अब जो यूनिट्स होती हैं आप लोगों की, वो दो तरह की होती हैं। कौन कौन सी यूनिट होती हैं? दो तरह की यूनिट पाई जाती हैं आपकी। पहली होती है मूल मात्रा, यानी कि फंडामेंटल, मूल मात्रा, फंडामेंटल्स जिसे कहा जाता है। और जो दूसरी होती है वो होती है आपकी यहाँ पर व्युत्पन्न मात्रा, व्युत्पन्न मात्रा, ठीक है। ये दो तरह की मात्रक होते हैं हम लोगों के। अब इसमें जो मेन होते हैं वो मैं कहूंगा कि मूल मात्रक ही होते हैं आप लोगों के मेन, जिनको हमें पढ़ना चाहिए, और उन्हीं से हम लोग व्युत्पन्न मात्रक बना लेते हैं। जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक दोनों ही है, ठीक है। लेकिन हमें बेसिक पहले पढ़ना पड़ेगा कि मूल मात्रक क्या होते हैं। देखिए, मूल मात्रक हमारे फंडामेंटल होते हैं। जैसे कि आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि जैसे हम कुछ लंबाई नाप रहे हैं, दूरी नाप रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग उसको मीटर में लिखते हैं, ठीक है। तो मीटर में लिखने के लिए हम उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते थे एम, सिर्फ स्मॉल का हम एम लिख देते थे। तो उसमें होता क्या था इस चीज में कि जो भी चीज आपने लिखी है या जो भी वर्ड्स आपने यूज करे हैं उसके कुछ फर्स्ट के वर्ड्स या बीच में से कुछ वर्ड्स उठा के हम लोग उसको बेसिक में डाल देते थे कि ये तो एम है, स्मॉल एम है, स्मॉल एम से यानी कि मीटर होता है हमारा, ठीक है। जैसे कि सेंटीमीटर लिखते थे तो सेंटीमीटर में सी और एम आता था, ठीक है। तो दो चीजें मिल रहे हैं, सेंटी और मीटर, तो दोनों के फर्स्ट फर्स्ट वर्ड उठा लिए और हमने उसको लिख दिया सी और एम, ठीक है। इस तरह से हम इनको लिख लेते थे। अब होता यह है कि मूल मात्रक में, जैसे कि हम लोग अभी बात कर रहे थे इस चीज की यूनिट्स की, जैसे SI यूनिट्स हो गई हमारी, ठीक है, MKS हो गई, और क्या हो गई CGS, जिसके बारे में अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी, ठीक है। तो हम लोगों ने ये देखा जब मूल मात्रक ऐसे हैं, फंडामेंटल यूनिट्स हमारी ऐसी हैं, तो हम उसके लिए हम लोगों ने क्या काम करना शुरू करा कि SI यूनिट जिसने बनाई, जिन साइंटिस्ट ने मिलकर बनाई, उन लोगों ने सबसे पहले मूल मात्रकों को ही चुना, ठीक है। और उन्होंने उनकी संख्या जो रखी थी वो 7 रखी थी, यानी कि जो SI मूल मात्रक है, SI मूल मात्रक, उनकी संख्या जो होती है 7 होती, ठीक है। उनकी संख्या कितनी रखी? 7 रखी। अब ये जो 7 यूनिट्स थी वो कौन कौन सी थी, वो हम लोगों के लिए मेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्हीं से मिलके हम एक नई यूनिट या एक नए नाम बना सकते हैं, ठीक है। तो वो हमारे लिए कौन कौन सी है, तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ नाम्स लिख दिए हैं, जैसे कि भौतिक राशि कौन सी होती है, मूल मात्रक, और उसका संकेत क्या हो। तो जैसे कि सबसे पहले मैंने बात करी आप लोगों को लंबाई की, तो ठीक है, तो लंबाई हम यहाँ पर लिख लेते हैं। जो लंबाई होती है वो हमारी भौतिक राशि है, ठीक है, लंबाई। अब लंबाई का जो मूल मात्रक है, यहाँ पर ये जो मूल मात्रक लिख रहा हूं मैं, ये SI वाली लिख रहा हूँ। कौन सी लिख रहा हूँ? SI वाली मात्रक लिख रहा हूँ, ठीक है। तो हमने यहां पर इसको इसमें बोला मीटर, मीटर, ठीक है। तो मीटर का हम सभी जानते हैं स्मॉल एम से हम उसको लिखते हैं, ठीक है। दूसरी चीज इसमें कौन सी आ जाती है हम लोगों की, यहाँ पर द्रव्यमान, यानी कि मास, क्या जाता है? द्रव्यमान, द्रव्यमान। देखिए द्रव्यमान को हम क्या लिखते हैं? किलोग्राम में लिखते हैं, किलोग्राम। तो हम इसको लिखते हैं, इसका संकेत क्या लिखते हैं, सभी आप लोगों को पता होगा, kg, ठीक है। इसमें जो ये k होता है ये स्मॉल होता है, ये हमें बात ध्यान रखनी चाहिए। उसके बाद कौन सा नंबर, 3 तो कौन सा आता है, ये नंबर डाल देता हूँ यहाँ पर, नंबर 1, नंबर 2, और ये आ जाएगा आपका नंबर 3। नंबर 3 पर आता है आपका, नंबर 3 पर आता है आपका समय, क्या आएगा? समय। देखिए समय को हम सभी जानते हैं कि हम लोग टाइम को सेकंड, सबसे छोटी यूनिट हमारी टाइम की होती है सेकंड, तो सेकंड में ही हम लोग इसको लिखते हैं, ठीक है। तो समय को हम लिखते हैं सेकंड में, और इसका जो मात्रक होता है, संकेत होता है, वो क्या होता है? स्मॉल s, ठीक है, स्मॉल s में लिखा जाता है। ये नंबर पे आता है ताप, यानी कि आपका टेम्परेचर। इसका मूल मात्रक केल्विन होता है SI में, और हम इसको कैपिटल K से लिखते हैं, कैपिटल के। आप हमेशा ध्यान रखिएगा इसका कैपिटल के होता है। उसके बाद आता है हमारा पांचवा मात्रक, पांचवा मात्रक होता है हमारा विद्युत धारा, क्या होगा? विद्युत धारा, विद्युत धारा। देखिए विद्युत धारा क्या होती है हमारी, आप लोगों ने टेंथ में पढ़ा होगा ओम के नियम वगैरह, ये सारे पढ़े होंगे, ठीक है। तो ओम के नियम में जब हम पढ़ रहे थे या टेंथ में आपने देखा होगा, तो हमने वहां पर विद्युत धारा को
एम्पियर में ना पता, किस चीज में ना पता, एम्पियर में। तो एसआई का मूल मात्रक भी हम लोगों ने क्या रखा है, एम्पियर रखा है। ठीक है, एम्पियर को जो संकेत होता है वो होता है कैपिटल ए। आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान होगा अगर जिसने टेंथ में साइंस रही है जिन बच्चों के पास। ठीक है, अब आता है नंबर सात। नंबर सात है ज्योति त्रिविधा। कौन सा है, ज्योति त्रिविधा, ज्योति त्रिविधा। नंबर छह पे आता है ज्योति त्रिविधा। ज्योति त्रिविधा को हम लोग, ज्योति त्रिविधा को हम लोग जो एसआई मूल मात्रक होता है वो होता है कैंडेला। कैंडेला, कैंडेला में हम लोग इसको लिखते हैं स्मॉल सी और स्मॉल ही डी, सी डी यानी कि कैड। ठीक है, कैड। अब सातवें नंबर आता है हमारा लास्ट, इस पे आता है हम लोगों का पदार्थ का परिमाण। सातवें नंबर पे आता है पदार्थ का परिमाण, पदार्थ का परिमाण। ठीक है, पदार्थ का परिमाण। देखिए इसका जो एसआई मूल मात्रक होता है वो होता है मोल, मोल। और जो उसका संकेत होता है वो भी इसकी सिर्फ तीन वर्ड दिए जाते हैं, एम ओ एल, मोल। ठीक है, ये दोनों ही पढ़ने में जैसे ही होते हैं, मोल और यहाँ पर भी मोल। ठीक है, इनका ये मात्रक एसआई मूल मात्रक और ये संकेत होता है। तो ये था हमारे मूल मात्रकों की संख्या जो हमारे लिए मेन मात्रक हैं। इन्हीं में से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं बीएड के, एएमयू के, जामे के, यूनिवर्सिटी के, बीएड के एंट्रेंस में हम लोगों के पास मिल जाते हैं। साथ में ही अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बता दूं, हम लोगों का जो बैच था वो 21 तारीख से शुरू हुआ था और अभी भी उसके रजिस्ट्रेशन जो है वो ओपन है। आप लोग अभी भी हम लोगों के जो क्लासेस हैं, जो हम लोगों की बी एड की तैयारी एंट्रेंस की चल रही है, आप उसमें हम लोगों के साथ शामिल हो सकते हैं। आप लोगों को जैसे पता ही है हम लोगों का व्हाट्सएप नंबर, आप उस पर हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जिस जैसे ही हम लोगों से कॉन्टैक्ट होगा, हम लोग आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा देंगे और सारी चीज़ें आपको बता देंगे। अगर आप लोगों को उसके बैच के बारे में और चीज़ें जाननी हैं जैसे कि, तो आप हमारी प्रीवियस वीडियोज़ देख सकते हैं। उस बैच को अनाउंस मैंने ही करा था और सारी डिटेल्स मैंने आपको उसमें बता दी थी। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम जानेंगे इसमें एसआई मूल मात्रक में कुछ संपूरक मूल मात्रक, एसआई संपूरक मूल मात्रक, मूल मात्रक। इनकी संख्या भी दो होती है। ठीक है, संपूरक मूल मात्रक की संख्या दो होती है। सबसे पहला हमारा इसमें आता है समतल कोण। कौन सा आएगा, समतल कोण, समतल कोण। ठीक है, ये होगा हमारा समतल कोण। इसका मूल मात्रक होता है हमारा रेडियन, रेडियन। और जो उसका संकेत होगा, देखिए मैंने वैसे ही टैली आप लोगों की बनाई है, हमारे यहाँ पर भौतिक राशियां हैं, फिर हम लोगों की एसआई मूल मात्रक है। ठीक है, उसके बाद मैं संकेत लिख रहा हूँ। जिसका संकेत होता है वो होता है आर ए डी, रेड। ठीक है, हम इसको हिंदी में पढ़ते हैं रेड। ठीक है, ये इसका संकेत होता है। दूसरा आता है आपका घन कोण यानी कि सॉलिड एंगल। इसका जो एसआई मूल मात्रक होता है वो होता है स्टेरेडियन। क्या होता है इसका एसआई मूल मात्रक, होता है स्टेरेडियन। इसको हम लिखते हैं एस आर। ठीक है, इसमें ये चीजें आती हैं। अब दूसरी चीज आती है हम लोगों की इसमें एसआई में, हम लोगों ने जैसे जैसे चीजें नई इन्वेंट करी, खोज करी, तो हम लोगों ने इसमें कुछ चीजें चेंज भी करी। यानी कि कई बार होता है कि इस चीज का कुछ और पहले बुलाया जाता था, अब उसको दूसरा नाम से रख दिया गया। तो उसमें हम लोगों के दो चीजें ऐसी आती हैं जिनके नाम हम लोगों ने बदले हैं, यानी कि पुराने मात्रक। एसआई में जो पुराने मात्रक हैं, पुराने मात्रक, ये भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तीन मात्रक हैं जिनके हम लोगों ने एसआई यूनिट में नाम चेंज करे हैं, बाकी एज इट इज जब से बनी है वैसे ही चलती आ रही है। ठीक है, तो इसके तीन मात्रक कौन कौन से हैं? पहला आता है ताप। क्या आता है? ताप। अभी आप कहेंगे कि सर अभी तो हमने पहले पढ़ा था। ठीक है, लेकिन ताप का हम लोग जो पहले मात्रक पढ़ते थे, एसआई मूल मात्रक हम पढ़ते थे, वो पढ़ते थे डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, क्या पढ़ते थे? डिग्री सेंटीग्रेड। इस तरह से पुराना। ठीक है, और जो ये नया है, नया हम कहते हैं डिग्री सेल्सियस। देखिए पुराने और नए में ज्यादा फर्क नहीं है तापमान में। आज हम पढ़ते हैं सेल्सियस, पहले पढ़ते थे सेंटीग्रेड। ठीक है, ये फर्क है। दूसरा आता है आवर्ती।
आवर्ती। देखिए आवर्ती जो होती है आप लोगों को पता है, हम लोग आज के टाइम पर हर्ट्ज में नापते हैं। किसमें नापते हैं? HZ हर्ट्ज। ठीक है, आप लोगों के फोन की जो कैमरे होते हैं उसमें भी लिखा होता है आपका कि 50 हर्ट्ज पे फोटो खींचनी है या 60 हर्ट्ज पे फोटो खींचनी है आप लोगों को। और बिजली के जो जितने भी उपकरण होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, उनमें भी लिखा होता है कि वो कितने हर्ट्ज पे चलेंगे आप लोगों के। ठीक है, तो इसमें ये चीजें आती हैं। तो ये तो हाल हो गया हमारा नया वाला, ये नया है हम लोगों का, नया नाम है हर्ट्ज। दूसरा हमारा जो पहले था वो था हम लोगों का, जो पुराना था हम लोगों का वो था CPS। CPS यानी कि कंपन प्रति सेकंड, CPS कंपन प्रति सेकंड। ठीक है, ये इसका पूरा नाम था। अब आते हैं तीसरा, तीसरा था हम लोगों का ज्योति तीव्रता। कौन सा था? ज्योति तीव्रता। ठीक है, ज्योति तीव्रता। देखिए अभी हमने इसका पढ़ा था कि क्या होता है इसका मात्रक आप लोगों का, कैड। उसका पहले पुराना मात्रक था, जो उसका पुराना मात्रक था आज हमने पढ़ रहे हैं इसको कैड, लेकिन पुराना मात्रक था हम लोगों का इसमें सीपी। सीपी ये था पुराना, यहां पे भी लिख देते हैं हम लोग इसको पुराना। ठीक है, ये भी पुराना था और ये भी इसका पुराना मात्रक था। पी का मतलब है यहां पर कैंडल शक्ति। ठीक है, ये थे हम लोगों के SI के मूल मात्रक। ठीक, इसमें हमने आपको सात बता दिए हैं, सात मेन कौन कौन से हैं। ठीक है, और बाकी चीजें आप लोगों को हमने इसमें बता दी हैं, संपूरक मूल मात्रक कौन से होते हैं, पुराने मात्रक कौन से थे, इससे भी रिलेटेड कई बार क्वेश्चन देखा गया है। आज आज की क्लास में हम लोग इतना ही सीखेंगे, बाकी कल हम बात करेंगे व्युत्पन्न मात्रक के ऊपर।